नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाग शर्मा और आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ iPhone 11 Pro के लिए बेस्ट बैक कवर। तो इस वाले फ़ोन के लिए बहुत सारे बैक कवर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, बट सारे के सारे बैक कवर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी जो है वो कमी जो है वो छोड़ जाते हैं प्रोटेक्शन के मामले में। क्योंकि आपने इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन लिया है, इसलिए आप इस वाले फ़ोन को जो है वो ज़रा सा भी जो है स्क्रैचेस वगैरह या फिर टूटना वगैरह जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि ऑब्वियसली आप ये आपकी जान से भी ज़्यादा प्यारा होना चाहिए अगर आपने इतनी ज़्यादा प्राइस जो है फ़ोन के ऊपर स्पेंड करी है। तो आज जो मेरे पास में है वो है अर्बन आर्मर गियर का बैक कवर, UAG इसको ये लोग बोलते हैं। और आज जो है मैं ऐसे करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, इसको लगा के देखने वाला हूँ अपने फ़ोन के ऊपर, और ये शायद से मेरा पहला बैक कवर का रिव्यू है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। सबसे पहले बात करूँ इस वाली बैक कवर की अनबॉक्सिंग की, तो वाकई में अनबॉक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पर जो है वो अर्बन आर्मर गियर जो है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो ड्रॉप टेस्टेड लिखा हुआ है। मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से इन लोगों ने इस वाले बैक कवर का जो है वो ड्रॉप टेस्ट करा है, और मैंने निकाल लिया बैक कवर को बाहर। इस वाले बैक कवर की प्राइस जो है वो सर उससे कुछ ज़्यादा ही है, ये लगभग जो है वो 4,200 रुपये का है। इनकी वेबसाइट के ऊपर मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग चेकआउट जो है वो कर सकते हो। लेकिन आप इस वाले बैक कवर को जो है वो फ्री में भी पा सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, बस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना है और मुझे DM करना है मैसेज अपने iPhone 11 Pro की फोटो के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे बंदे को ये वाला बैक कवर जो है वो गिव अवे करूं जिसके पास iPhone 11 Pro ही ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो बॉक्स की पैकेजिंग जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमल है। यहाँ पे UAG लिखा हुआ है, यहाँ पे iPhone 11 Pro टॉप ग्रेन लेदर ड्रॉप टेस्टेड, यहाँ पे 2x ड्रॉप टेस्टेड जो है वो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डबल हाइट से नहीं गिरेगा, ये मतलब कि एक हाइट से 2-3 बार जो है वो गिर सकता है, तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा आपके iPhone को। ये Monarch Series का iPhone है, प्रीमियम प्रोटेक्शन के साथ आता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीछे की, तो फिर यहाँ पे आपको जो है 5 लेयर्स देखने को मिलती हैं इसके अंदर, 5 लेयर प्रोटेक्शन के साथ ये वाला बैक कवर जो ये आता है। प्रीमियम मटेरियल्स का इसमें यूज हुआ है, और ये जो है वो आर्मर फ्रेम है। ओके, दैट्स इट अबाउट पैकेजिंग। अब मैं सॉरी पैकेजिंग जो है वो खोलता हूँ, और वाकई में बैक कवर जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वाली चीज़ जो है कैसे इस वाले बैक रेड कलर के मटेरियल के साथ जो है वो मैच हो रही है। और अब मैं इस बैक कवर को जो है इसमें से निकाल लेता हूँ, वाकई में काफी ज्यादा शानदार बैक कवर। यहाँ मैं पहली बार ऐसे बैक कवर की भयंकर अनबॉक्सिंग जो है वो देख रहा हूँ। यहाँ पे UAG लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यही सा सपोर्ट डब्बे का, डब्बा जो है वाकई में काफी ज्यादा भारी था। जैसे कि आप देख सकते हो ये है यहाँ का बैक कवर। इसके थोड़ा जूम करके दिखाओ तो यहाँ पे जो है वो UAG जो है आप लिखा हुआ देख सकते हो इनके ब्रांडिंग को। यहाँ पर जो है वो लेदर का इस्तेमाल करा है, यहाँ पर मेटल है, ऑब्वियसली ये मेटल है काफी ज्यादा शानदार। यहाँ पे आपको एक काफी ज्यादा शानदार टायर वाला हर तरह सा टेक्सचर जो है देखने को मिल रहा है। ये पावर बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, यहाँ पे आपका म्यूट वाला स्विच है, नीचे की तरफ आपके सारी की सारी ओपनिंग्स जो है वो दे रखी हैं। और टू बी ऑनेस्ट बैक कवर बहुत ही ज्यादा जो है वो स्टर्डी लग रहा है। यहाँ अंदर की तरफ भी आपको जो है वो मटेरियल्स जो है वो देखने को मिलते हैं आपके फोन की कूलिंग वगैरह के लिए, और यहाँ पर भी जो है वो UAG लिखा हुआ है। ओके, तो फाइनली ब्रीफ मोमेंट ओपन जो है इस बैक कवर को अपने फोन के अंदर लगा के देखते हैं, और थोड़ा सा हार्ड तरीके से जो है वो फोन घुसता है, बड़े पर घुस जाता है, तो वाकई में बहुत ही ज्यादा जो है वो अच्छा लगता है। वाओ, ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं इस वाले बैक कवर का स्पेसिफिकली रिव्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है वो यूनिक बैक कवर है। मैंने ऐसा बैक कवर कभी भी नहीं देखा। ये पूरा पूरा मेटल है, यहाँ पे लेदर का जो है इन लोगों ने यूज करा है। और फोन हिल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। काफी ज्यादा शानदार यहाँ पैकेजिंग है, और मुझे पावर बटन दबाने में भी जो है वो ज्यादा दिक्कत वगैरह नहीं हो रही। सारे सारे बटन जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से दब रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ कॉर्नर्स के अंदर भी इन लोगों ने काफी ज्यादा शानदार प्रोटेक्शन कर रखी है, तो फिर अगर फोन गिरता भी है तो शायद ही इसको कुछ हो। मतलब कि मैं ऐसा कोई प्रोफेशनल बैक कवर रिव्यूअर नहीं है, जैसे मैं फोन को फेंक के देखूंगा, ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करने वाला। बट अगर ये फोन कभी भी मेरे हाथों से गिरता है इस वाले बैक कवर के अंदर, तो फिर मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, इसलिए फॉलो जरूर कर लेना मुझे वहां पर। ओवरऑल इसका जो अटेंशन टू डिटेल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही ज्यादा यूनिक सी फील आ रही है इस वाले बैक कवर के अंदर। वाकई में मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूं अगर आप प्रोटेक्शन के अंदर हो। ये ऑब्वियसली स्लिम नहीं है, ये काफी ज्यादा मोटा कर देता है आपके फोन को। और iPhone 11 Pro सीरीज जो है वो ऑलरेडी थोड़ी सी मोटी आती है प्रीवियस iPhone सीरीज के मुकाबले, और ये उस मोटी सीरीज को जो है वो थोड़ा सा और मोटा कर देता है। बट स्टिल आई एम इनटू प्रोटेक्शन। मैंने अपने वन प्लस के ऊपर भी जो है वो भयंकर वाला कैपेवर का कवर लगा रखा है, हालांकि इसके सामने ये कुछ भी नहीं लगता। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो भाइयों। दिस इज मिस्टर शाइनिंग ऑफ जे हिंद। ये मेरा पहला बैक कवर का रिव्यू था, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर मैं और बैक कवर्स के रिव्यू भी कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली चीप पड़ते हैं फोन्स के मुकाबले। जस्ट किडिंग।
नाम है जाओ शर्मा।